रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। महेश्वरी की कहानी जिससे इंस्पायर्ड बाहुबली के कैरेक्टर्स, किसने उल्लेख किया है महेश्वरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हमने आपको पिछली वीडियो में बाहुबली की सच्चाई बताई थी जिसका उल्लेख कालिदास ने किया था। चलिए आगे और सच जानते हैं बाहुबली के बारे में। दोस्तों, इस उल्लेख में माहेश्वरी नगरी के वॉल के नीचे कांची या मिथिला की भांति ग्रेसफुल नर्मदा का सुंदर डिस्क्रिप्शन है। कालिदास ने उल्लेख में माहेश्वरी नरेश को अनुपराज भी कहा है, जिससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में माहेश्वरी का प्रदेश नर्मदा नदी के कोस्ट के क्लोज होने के कारण अनूप कहलाता था। माइथोलॉजी में माहेश्वरी को हेहया डायनेस्टी, कर्तव्यवीर अर्जुना और सहस्त्र बाहु की राजधानी बताया गया है। अनुश्रुति है कि इसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था। भूतपूर्व इंदौर रियासत की प्रोटो कैपिटल यही थी। एक माइथोलॉजिकल अनुश्रुति में कहा गया है कि माहेश्वरी का बसाने वाला माहेश मानस नामक चंद्रवंशी नरेश था। सहस्त्र बाहु इन्हीं के वंश में हुआ था। महेश्वरी नामक नदी जो माहेश्वरी अथवा महेशमान के नाम पर प्रसिद्ध है, माहेश्वर से कुछ ही दूर पर नर्मदा से मिलती है। हरिवंश पुराण की टीका में नीलकंठ ने माहेश्वरी की स्थिति विंध्या और रिक्षा पर्वतों के बीच में, विंध्या के नॉर्थ में और रिक्षा के साउथ में बताई। बाहुबली के किरदारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी किरदार किसी न किसी से इंस्पायर्ड है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधुनिक रूप दिया गया है। कटप्पा सिंहासन से बंधा हुआ महाभारत के भीष्म की याद दिलाता है। वहीं बाहुबली में अर्जुन की वीरता एवं भीम के अपार बल का संगम। भल्लाल देव दुर्योधन की याद दिलाता है। वहीं विज्जल देव धृतराष्ट्र के मुंह और शकुने की कुटिलता का ब्लेंडिंग। गदा दुर्योधन का प्रमुख हथियार था तो भल्लाल देव भी विशालकाय गदा हमेशा अपने पास रखता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बाहुबली भी इलकला में पारंगत थे। देवसेना की कहानी बहुत हद तक मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा से मिलती थी। चित्रांगदा बेहद खूबसूरत थी। एक बार अर्जुन कारणवश मणिपुर गए। अर्जुन ने उन्हें देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गए। तो दोस्तों, बाहुबली के कैरेक्टर्स और उसकी स्टोरी के सिमिलैरिटीज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।